जी दोस्तों, ये CA IPCC नवंबर 2017 का टैक्स का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर वन जो कंपलसरी है, सेक्शन ए 50 मार्क्स का चॉइस है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, बाकी पांच में से कोई चार करना, तो टोटल 50 मार्क्स हो जाएगा। तो हम लोग ये पहला क्वेश्चन वन कंपलसरी जो 10 नंबर का है वो डिस्कस कर रहे हैं। इट इज 10 मार्क्स। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? जैसे ये क्वेश्चन है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है। ये खर्चे का है, ये प्लस वाला है, और इससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन 1, 2 और यहाँ पर 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमने क्या किया, हमने जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ इफेक्ट डालता वहाँ नंबरिंग कर दी। जैसे रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस 4 नंबर पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2 नंबर पे है, डिप्रिसिएशन 1 नंबर पे है, और गिफ्ट रिलेटेड 3 नंबर पे है। और जो इफेक्ट नहीं डालता है उसको हमने सर्कल कर दिया ताकि सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान में रहे। तो क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी हमेशा ट्विस्टेड होता है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है। तो मैं सबसे पहले, मैंने एक फॉर्मेट जो हमने हमेशा क्लास में यही सिखलाया है कि प्लस का कॉलम अलग बना लो, माइनस का कॉलम अलग बना लो। तो अगर जो चीज प्लस होनी है वो प्लस करते जाएंगे, जो चीज माइनस होनी है वो माइनस करते जाएंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखा कि अगर माइनस करना है तो पहले माइनस का साइन दे दो, पता लगा यहां तक लिखते लिखते भूल गए माइनस करना है या प्लस करना है, और यहां पर ब्रैकेट हमेशा डाल दो जो हम भूल गए थे। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। स्टाफ सैलरी माइनस होना चाहिए, माइनस किया हुआ इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं। रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस, ये फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है, रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस, सीधे हम फोर्थ नंबर पे गए, यहां लिखा हुआ है लास्ट मंथ्स रेंट ऑफ 50,000 वाज पेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। अब मुझे एक बात बताइए, क्या रेंट पे टीडीएस कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? वो सर 194I एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस फोर्थ पॉइंट, और ये फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या लिख दिया इन्होंने, लास्ट मंथ रेंट ऑफ रुपीज 50,000 वॉज पेड विदाउट डिडक्शन ऑफ सोर्स, यानी कि 50,000 पर मंथ का रेंट है, इसीलिए यहां पर 6 लाख लिखा हुआ है। अब एक PGBP में सेक्शन है 40a क्लॉज आई है, जहां पर लिखा हुआ कि अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा, इज ही रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। रेंट पे TDS काटने का सेक्शन 194I है, और 194I में लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एक्सेप्ट इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल HUF भी TDS काटेगा अगर उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ग्रॉस रिसीट्स, इन केस ऑफ प्रोफेशनल ग्रॉस रिसीट एक्सीड्स 50 लाख। और इसमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का तो डेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर का डेटा में इसका ग्रॉस रिसीट 47,50,000 है। देयरफॉर वी आर एज्यूमिंग दैट ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया सेक्शन है 194IB। क्या इसमें TDS काटना है? इसमें TDS इंडिविजुअल और HUF को काटना है, भले वो ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन तभी काटना है जब रेंट एक्सीड्स 50,000 पर मंथ। तो ना 194I एप्लीकेबल है, ना 194IB एप्लीकेबल है, तो इसलिए कोई डिसअलाउंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, जो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 55,000 पेड टू ए टैक्स कंसल्टेंट इन कैश फॉर असिस्टिंग मिस्टर पांडे इन वन ऑफ द प्रोफेशनल असाइनमेंट्स। तो ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है, कैश में दिया जा रहा है, तो एंटायर कैश एक्सपेंडिचर 40A सबसेक्शन 3 इज डिसअलाउड, तो एड बैक कर दिया हमने। इसके बाद स्टाइपेंड टू आर्टिकल क्लर्क्स अलाउड है, माइनस किया हुआ है। मीटिंग सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस अलाउड है, माइनस किया हुआ है। डिप्रिसिएशन 55,000 लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन, इसका पॉइंट नंबर वन यहां लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन अलाउबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज 1,25,000, माइनस 55,000 हुआ है, एक्स्ट्रा और कितना माइनस करना पड़ेगा 70,000, जो हमने यहां माइनस कर दिया, ठीक है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अलाउड है और माइनस किया हुआ भी, इसलिए कोई एडजस्ट नहीं करेंगे। अब आइए इनकम साइड, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल इनकम जितना भी अर्न करेगा वो PGBP की इनकम मानी जाएगी,
ऑडिट फीस, टैक्सेशन फीस, कंसल्टेंसी सर्विसेज रिलेटिंग टू सिंडिकेशन ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब प्रोफेशनल फीस है, ये ऐड होना चाहिए, ऐड किया हुआ है, इसलिए हम कोई एडजस्टमेंट यहां नहीं कर रहे हैं। इसके बाद गिफ्ट्स लिखा हुआ 1 लाख, लेकिन गिफ्ट से रिलेटेड थर्ड पॉइंट लिखा हुआ, और गिफ्ट्स में ये लिखा हुआ थर्ड पॉइंट में यहां पर, गिफ्ट्स रिप्रेजेंट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एलईडी टीवी विच वॉज गिवन बाय वन ऑफ द क्लाइंट्स फॉर सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन ऑफ केस इन द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो दिस गिफ्ट इज रेवेन्यू इन नेचर, प्रोफेशनल गिफ्ट, और ये पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी, और ये एड किया हुआ, इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। फिर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, ये पीजीबीपी की इनकम नहीं है, इसलिए हमने डिविडेंड क्या किया, माइनस कर दिया यहां पर। और अदर सोर्सेस में ये प्लस होगा या नहीं होगा, तो अदर सोर्सेस में दो सेक्शन लगेंगे, सेक्शन 10 सब सेक्शन 34, जहां पर डिविडेंड इज एंटायर डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट, बट इफ इट इज ऑन सेक्शन 115 बीबीडीए क्या कर रहा है, इन एक्सेस ऑफ 10 लाख इज टैक्सीबल। तो 1034 में 10 लाख तक एग्जेम्प्शन है और 2 लाख रुपया टैक्सेबल हो गया, और इसमें रेट ऑफ टैक्स स्पेशल इनकम है, रेट ऑफ टैक्स 10% फ्लैट है, जो हमने यहां निकाला है 2 लाख का, ठीक है। तो ये क्या करना, आप प्रेजेंटेशन जब भी करें सब कुछ साथ साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसको जैसे ही हमने डिविडेंड यहां माइनस किया ये माइनस हो जाए, फिर अदर सोर्सेज का अलग से कॉलम खोल लो यहां कर लेना, नहीं तो आप भूल जाओगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, दिस इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट। तो हमने वैसे भी पीजीबीपी इनकम नहीं है, तो हमने यहां पर माइनस कर दिया, और यहां पर हमने प्लस नहीं किया, बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। तो 10 सबसेक्शन 15 में ये एग्जेम्प्ट है। इसके बाद आइए क्या करें, तो ये सारा हो गया। अब हमने दो चीजें सर्कल की हुई है जिसका एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं है, जरा पढ़ते हैं इसको। मिस्टर पांडे हैड टेकन ए लोन ऑफ ₹32 लाख फॉर द परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वैल्यूइंग 45 लाख फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन 1 मई 2016। ही रीपेड 1,50,000 ऑन 31 मार्च 2017, आउट ऑफ विच 1 लाख इज टुवर्ड्स प्रिंसिपल पेमेंट। अगर 1 लाख टुवर्ड्स प्रिंसिपल पेमेंट है तो 80C एप्लीकेबल हो रहा है, बैलेंस इज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन तो 24 एप्लीकेबल हो रहा है, यानी 50,000। अब ये माइनस होगा या नहीं होगा, 80C और 24 का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलता है, वेन यू हैव द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सेक्शन 22 क्या कहता है, एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनिंग थेरटू ऑफ व्हिच एसेसेस द ओनर नॉट ऑक्युपाइंग द बिल्डिंग फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। तो जब तक आप हाउस प्रॉपर्टी के घर के अंदर घुसेंगे नहीं, आपको नहीं पता लगेगा 24 का डिडक्शन मिलना है या नहीं मिलना। और इसमें लिखा हुआ है आपको ये पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी दे रहा है अक्टूबर 2017 को, यानी कि प्रीवियस ईयर 17-18 को, और 17-18 आप निकाल रहे हैं प्रीवियस ईयर 16-17 का। तो 16-17 में इसका डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, 80C का भी नहीं मिलेगा और 24 का भी नहीं मिलेगा। तो हमने यहां लिख दिया रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन जो 80C में मिलना चाहिए था नहीं मिलेगा, बिकॉज द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज मस्ट टू क्लेम द डिडक्शन। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट हम लोग कर रहे हैं, मिस्टर पांडे पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हिज पेरेंट्स सीनियर सिटीजंस एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम बाय चेक अमाउंटिंग टू ₹27,000। तो हमने आपको जब 80D पढ़ा रहे थे तो हमने कहा बॉक्स 1 जहां पर सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, बॉक्स 2 पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में लिमिट है 5,000 पर बॉक्स। तो यह 8,500 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, कैश में पेमेंट कर रहा है अलाउड है, लिमिट कर दिया 5,000। या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम माता पिता के लिए है, और ये सीनियर सिटीजन ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन है, ये सीनियर सिटीजन्स हैं, तो लिमिट है 30,000 की, तो कितना हो गया 32,000, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या किया, पीजीबीपी की इनकम निकाली, बड़ा आसान है पीजीबीपी की इनकम निकालना, प्लस माइनस का आप सेपरेट कॉलम बना लेते हैं तो क्या होता है कि आपको पता है ये सारा माइनस करके प्लस करना, तो हमने प्लस कर लिया, फिर ये प्लस करना प्लस कर लिया, इन दोनों को प्लस माइनस करके ये है पीजीबीपी की इनकम। इसी पीजीबीपी की इनकम को हमने कहां लिख लिया, यहां लिख लिया, अदर सोर्सेज 2 लाख यहां लिख लिया, ग्रॉस टोटल इनकम 80D माइनस कर दिया, टोटल इनकम आ गया। टैक्स इस 2 लाख पे 10% फ्लैट लगेगा तो 20,000, टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 2 लाख पे लग चुका है, इसमें 2 लाख माइनस किया, इसमें स्लैब रेट लगा लिया, सेस ऐड कर दिया, 87A का रिबेट माइनस नहीं होगा, 87A का रिबेट नहीं माइनस होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, मैं डालता रहूंगा। बाय बाय।